So students, today we are doing some NCERT problems of ionic equilibrium, and now I am going to do 7.45. स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में मैं कह रहा था कि अगर इसी सॉल्यूशन में 0.01 मोलर HCl का सॉल्यूशन भी हो तो आपको पता है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट कर जाता है, ठीक। तो तब ये पूछ रहे हैं तब कितनी HS नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी ये भी बताना है। इफ द सेकेंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ H2S, सेकेंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट कौन सा हुआ जिसमें HS नेगेटिव आयन जो है वो फर्दर अपना H पॉजिटिव आयन डिग्रेड करके सल्फाइड आयन बनाएगा, ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 1.2 × 10⁻³¹¹. तो दे आर सेइंग कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H2 नेगेटिव आयन अंडर बोथ कंडीशन, ठीक। तो आपके पास सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी अगर हम प्योर वाटर में सॉल्यूशन बनाए तो, अगर वो 0.1 मोलर HCl में सॉल्यूशन बनाए तो भी H2S का, ठीक। तो आपके पास तीन चार पार्ट है इस क्वेश्चन में, सभी को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो पार्ट वन क्या है, पार्ट वन कहता है आपने कंसंट्रेशन ऑफ H2S नेगेटिव आयन निकालनी है, जब हम ठीक है जब हम इसका 0.01 मोलर सॉल्यूशन बनाएंगे सिंपल वाटर में, ठीक है। तो आपको पता है H2S इज गोइंग टू डिसोसिएट टू गिव H पॉजिटिव आयन एंड HS नेगेटिव आयन, एंड Ka फॉर दिस इज 9.1 × 10⁻¹¹. तो इनिशियली आपने इसकी H2S की कितनी कंसंट्रेशन ली है, 0.01 मोलर, ओके। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, हम मान लेते हैं 0.1 में से x कम हो जाएगी और ये x बनेगा, ये भी x बनेगा, ठीक। तो अप्लाई करो Ka will equal to concentration of H positive ion, concentration of HS negative ion divided by concentration of H2S, okay? तो Ka की वैल्यू है 9.11 × 10⁻¹¹. H positive ion की concentration x, HS negative ion की x, और H2S की कितनी है 0.1 minus x, ठीक है। एक्स को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा, क्यों नेगलेक्ट करा, क्योंकि के की वैल्यू बहुत छोटी है तो डिसोसिएशन ना के बराबर ही हो गई, तो एक्स जो है वो नेगलेक्ट हो जाएगा 0.1 के कंपैरिजन में। तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स इंटू एक्स बाय 0.1, दिस कम्स आउट टू बी 9.11 × 10⁻¹¹. तो एक्स स्क्वायर कम्स आउट टू बी 9.11 × 10⁻¹⁹. तो एक्स कम्स आउट टू बी अंडर रूट 9.11 × 10⁻¹⁹. एंड एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स का आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं अंडर रूट कर करा के सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका 9.54 × 10⁻¹⁵, ठीक है। सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ HS नेगेटिव आयन प्रोड्यूस्ड बाय 0.1 मोलर H2S व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर। बट अब सेकंड केस, पार्ट सेकंड में क्या है, आपका जो सॉल्यूशन H2S डिसॉल्व करवा रहे हो 0.1 मोलर H2S जो डिसॉल्व करवा रहे हो वो ऑलरेडी 0.1 मोलर HCl का सॉल्यूशन है उसमें डिसॉल्व करवा रहे हो, तो अब बताओ इसमें कितना HS नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा, ओके। तो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में जो HCl है, यू नो दैट HCl इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसकी वजह से H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। तो कितने H पॉजिटिव आयन बनेंगे 0.1 मोलर और कितने Cl नेगेटिव आयन बनेंगे 0.1 मोलर, ओके। और ये कितने रह जाएंगे, जीरो, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। और जो H2S है इसकी वजह से कितने H पॉजिटिव आयन और HS नेगेटिव आयन बनेंगे, ये तो इक्विलिब्रियम में आता है ना अपने आयंस के साथ, ये हमें अभी निकालना है। इसका हमने 0.1 लिया मोलर इनिशियल, और इक्विलिब्रियम पे हम मान लेते हैं इसमें से y माइनस हो रहा है क्योंकि एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे y लिया, x नहीं। और ये कितना बनेगा, y, और ये भी y, बट टोटल H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, y प्लस 0.1,
ओके वाई प्लस पॉइंट वन, ठीक। अब फिर इस पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लग जाना है के ए वाला, तो आपके पास क्या आएगा, के की वैल्यू तो सेम ही रही है ना, के ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ एच एस नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एच टू एस। ओके तो के ए की वैल्यू कितनी थी, वो थी 9.1 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 8 गिवन थी। कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन कितनी ली हुई है हमने, वाई नहीं वाई प्लस 0.1, और कंसंट्रेशन ऑफ एच एस नेगेटिव आयन कितनी है, वाई। तो ये बनेगी वाई इंटू वाई प्लस 0.1, और कंसंट्रेशन ऑफ एच टू एस कितनी है, 0.1 माइनस वाई। ओके क्लियर, जो इक्विलिब्रियम में बची है सेम, वाई बहुत छोटा होगा इस बार तो और छोटा होगा, ठीक है, तो 0.1 के कंपैरिजन में भी नेगलेक्ट हो जाएगा और यहाँ भी 0.1 के कंपैरिजन में नेगलेक्ट हो जाएगा, तो इसको 0.1 में जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या बन जाएगा, 9.11 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 इज इक्वल टू वाई इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है। तो ये आपका कट कटा के वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 मोलर, और यही कंसंट्रेशन ऑफ एच एस नेगेटिव आयन है, 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 मोलर। ओके तो यही आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ एच एस नेगेटिव आयन है, क्लियर है। तो इतनी बात आपको समझ में आती है, ये पहले दो पार्ट हो गए। अब क्या कर रहे हैं, ये थर्ड पार्ट, ये कह रहे हैं इफ द सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एच टू एस, सेकंड ये वाले रिएक्शन के लिए, ये स्टेप वन होता है ना, ये स्टेप टू, स्टेप टू भी इक्विलिब्रियम में होगा, तो इसके लिए आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू 1.2 इनटू 10 टू माइनस 13 दी हुई है। तो ये पूछ रहे हैं सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, क्लियर। तो बट इसको निकालने के लिए तो आपको एच एस नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक, और एच एस नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन तो स्टेप वन में भी आ रही है, स्टेप टू में भी आ रही है, तो ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या इसको कैसे करें, इसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालें दोनों केसेस के केस में, ठीक है। जब न्यूट्रल वाटर में सॉल्यूशन बन रहा है H2S का, तब इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी वो निकालनी है, और जब 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2S में हो रहा है तब इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी सल्फाइड आयन की, वो निकालनी है। तो इसके लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने ये वाला स्टेप लेके इसका के ए लेके किया, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ एच एस नेगेटिव आयन जो है, ठीक है, वो यहाँ भी स्टेप वन में भी इन्वॉल्व है, स्टेप टू में भी इन्वॉल्व है। तो इसको करने का इजी तरीका क्या है, इजी तरीका एक और है, जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम रिएक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ओवरऑल इक्विलिब्रियम रिएक्शन वो बनेगा H2S इज इन इक्विलिब्रियम विद 2H पॉजिटिव आयन एंड सल्फाइड आयन, और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको मैं Ka लिख रहा हूं, वो बन रहा है, वो बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2S। ओके और H2S की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ले रहा हूं मैं, जिसमें स्टार्टिंग वाला पहले वाला केस जिसमें वाटर में बन रहा है H2S का सॉल्यूशन 0.1 मोलर, ओके तो ये इनिशियल है, और इक्विलिब्रियम पे कितनी 0.1 में से मान लो एक्स कम, एक्स नहीं यहाँ पे पी लेते हैं, पी कम होगी, तो ये कितना बना होगा 2p, और ये कितना बना होगा पी। ओके और के ए की वैल्यू बट कहाँ से आएगी मेरे पास, इस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो दी नहीं हुई, दी हुई है के ए विल बी इक्वल टू के ए वन इंटू के ए टू। ये जो आपके पास ये दो स्टेप हैं, ये वो उसी ओवरऑल रिएक्शन के दो स्टेप हैं ये, ठीक, तो इनके लिए ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए वन और के ए टू बन रही हैं, ठीक है, क्लियर, तो इन्हीं को अप्लाई करना है हमने, ठीक है, यहाँ पे के ए वन मेंशन कर देता हूँ मैं, ठीक, इन्हीं को अप्लाई करना है, तो बस, तो इट मींस ओवरऑल के ए विल बी के ए वन इंटू के ए टू। आपको पता है ओवरऑल रिएक्शन को जितने भी स्टेप रिएक्शन में तोड़ा होता है उन सभी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो तो आपका ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है। तो के ए की वैल्यू कितनी आ गई है, के ए वन की वैल्यू है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 और के ए टू की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 13, ठीक, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो के ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, मैं ओवरऑल वैल्यू लिख रहा हूँ सीधे ही, के ए की वैल्यू आ जाएगी 1.092 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 20, ठीक है। तो ये इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन के लिए जो के ए की वैल्यू आनी है वो आ गई, बस इसी को अप्लाई करके पी निकाल लो, वही तो निकालना है सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन, तो कर लें 1.092 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 20 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन कितनी है 2p, उसका स्क्वायर भी होना है, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन कितनी है p, क्लियर, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2S कितनी है 0.1 माइनस p, p को नेगलेक्ट कर दो 0.1 के कंपैरिजन में, क्या बचा
फोर पी क्यूब डिवाइड बाई पॉइंट वन, 1.092 इंटू 10^-20। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पी की वैल्यू कैसे आएगी, 1.092 इंटू 10^-20 को मल्टीप्लाई करना है 0.1 से, डिवाइड बाई 4 करना है, उसके बाद इसका क्यूब रूट भी निकालना है। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। ओके, सॉल्व आपने अब खुद करना है, क्लियर। तो ये पहला। अब इसमें भी एक और पार्ट है, इसमें क्या पार्ट है, इसमें उन्होंने बोला कि अगर आपने H2S को 0.1 मोलर HCl में डिसॉल्व किया हो, 0.1 मोलर H2S को, तब बताओ तब सल्फाइड आयन कितना बनेगा। तो तब के केस में क्या होगा, तब के केस में इक्विलिब्रियम क्या बनेगा, H2S is going to give 2H positive ion plus sulfide ion, ठीक है। H2S की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है इनिशियल, फाइनल मान लेते हैं 0.1 माइनस Z, ओके, ये इक्विलिब्रियम पे है जो। तो H पॉजिटिव आयन इसकी वजह से कितना प्रोड्यूस होगा, 2Z, और सल्फाइड आयन कितना बनेगा, Z, ठीक। बट H पॉजिटिव आयन ऑलरेडी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कितना, 0.1 मोलर HCl की वजह से, ओके। तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी हुई, 2Z into 0.1। तो अब करो इसको, अब आपके पास फिर वही बन जाएगा, Ka is equal to concentration of H positive ion square concentration of sulfide ion divided by concentration of H2S। इसको सॉल्व किया कि ए की वैल्यू क्या थी, ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो भी निकाला हमने, 1.92 into 10^-20। कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन कितनी है, 2Z plus 0.1 raised to का स्क्वायर। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन कितनी है, Z, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2S कितनी है, 0.1 माइनस Z, ओके। तो यहाँ पे Z को नेगलेक्ट करते चलो, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है K की, देखो कितनी ज्यादा छोटी वैल्यू है, तो Z नेगलेक्ट कर दो, क्या बना, 0.1 स्क्वायर इनटू Z डिवाइड बाय 0.1, ठीक है। तो एक 0.1 से 0.1 कट चुका है, तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.092 इनटू 10^-20 डिवाइड बाय 0.1। तो ये आपके पास बन जाएगा Z की वैल्यू, 1.09 इनटू 10^-19 मोलर। तो मतलब कितने सल्फाइड आयन प्रोड्यूस होंगे इस केस में, इस केस में प्रोड्यूस होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन प्रोड्यूस्ड इज विल बी इक्वल टू 1.09 इनटू 10^-19 मोलर, ओके। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, ओके। तो देखो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कितना ज्यादा कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ता है। पहले सल्फाइड आयन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 0.1 मोलर H2S की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका क्यूब रूट करके आंसर पता कितना आता है, पी का आंसर मैं आपको बता ही देता हूं, इसका आंसर आता है पी का 6.5 इनटू, इसका आंसर आता है कहां पे लिखूं, यहां पे 6.5 इनटू 10^-10 मोलर, पी का आंसर ये आता है। और जितनी पी की वैल्यू है वही कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन आई। तो इसमें देखो और इसमें देखो कितना जमीन आसमान का फर्क है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन का, क्लियर। तो ये आपके पास कंसेप्ट बिल्ड करने वाले हैं, ओके। चलो तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के सारे सिलेक्टेड प्रॉब्लम ही है जो करवा रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास है 7.47, प्रॉब्लम नंबर 7.47। इट हैज बीन फाउंड दैट पीएच ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज 4.15। आपके पास कोई ऑर्गेनिक एसिड है, लेट अस से HA, जो H पॉजिटिव आयन और A नेगेटिव आयन बनाता है, और इसकी वजह से जो पीएच बन रही है सॉल्यूशन की वो कितनी बन रही है, 4.15, जब इसका आपने 0.01 मोलर सॉल्यूशन बनाया। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन, इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है इक्विलिब्रियम पे, एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, और के ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड इट्स पी के ए, तो पी के ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके, एंड कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल है क्वेश्चन, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी बनेगी, 0.01 माइनस एक्स, इसकी एक्स, ये भी एक्स, ठीक। अब आप बोलोगे सर के ए तो गिवन ही नहीं है, बट यहाँ पे के ए की बजाय एक्स गिवन है, ये दोनों एक्स गिवन है, कैसे, पीएच, पीएच से कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव निकल जाएगी ना, तो पीएच कितना दिया हुआ, 4.15, ओके। पीएच का मतलब क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, दैट इज 4.15, log of H positive ion is equal to -4.15। अब -4.15 को सॉल्व करने का तरीका, इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 plus 0.85 लिख सकते हैं ना, तो -5 किसका log होगा, log of 10^-5 का log होता है -5, और 0.5 किसका, 0.85 किसका log होता है, ये होता है log of 7 का, log of 7 is equal to 0.854, ठीक।
मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लॉग से लॉग काटना है, एंटी लॉग करना है ना। लॉग ऑफ एच पॉजिटिव एन कितना बना, अब लॉग एम इंटू लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला लग गया, लॉग एम इंटू एन। ओके, लॉग से लॉग कटा, कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव एन कम्स आउट टू बी 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मोलर। तो ये तो पहला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। ओके, और यही कंसेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन है, ये नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन की वैल्यू भी तो एक्स ही है, तो कितनी है 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मोलर। तो पहला पार्ट सॉल्व कर लिया आपने। अब आपने के ए की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। आपको बोला ना उन्होंने के ए की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो के ए की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे आप इसमें? अब इसके केस में अब x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, देखो यहाँ पे x वैल्यू पुट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि नेग्लिजिबल है, 0.1 ही लिखेंगे इसको। इसकी वैल्यू यहाँ पे 7 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 5 और इसकी 7 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 5। ओके, और आपके पास के ए का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एच ए। सभी की कंसेंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दो, 7 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 5, 7 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 5, और एच ए की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.01 ही है। तो ये बन जाएगा 49 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 8 इंटू 10 रेस्ट पावर 2। तो ये बन जाएगा, ये ओवरऑल कर करा के कितना आएगा, 4.9 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7। तो ये आ गया के ए की वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। तो के ए की वैल्यू भी आ गई बड़े आराम से, ठीक। अब पीके भी निकालना है, पीके क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए। बस के ए की वैल्यू पुट कर दो, 4.9 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7, इसका लॉग निकाल लेना तुम लोग, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये लॉग अब आपने खुद निकालना है, दैट्स इट, ठीक। तो वो पीके ए की वैल्यू आ गई, ये भी क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो ये भी ठीक था क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास 7.65, अब सीधा 65। The ionic product of water at 310 Kelvin is 2.7 into 10 to the power minus 14. What is the pH of neutral water at this temperature? ठीक, तो pH निकालनी है। आपको पता है concentration of H positive ion into concentration of OH negative ion is called as the ionic product, that is equal to 2.7 into 10 to the power minus 14. And as we know that concentration of H positive ion is equal to concentration of OH negative ion in case of water, in case of pure water, जब वो ionized होता है तो concentration of H positive ion और OH negative ion same होती है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, क्योंकि OH नेगेटिव आयन को मैंने एच पॉजिटिव आयन ही पुट कर दिया, इक्वल है ना दोनों की वैल्यू, कम्स आउट टू बी 2.7 इनटू 10 टू द पावर माइनस 14। कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन स्क्वायर इज इक्वल टू 2.7 इनटू 10 टू द पावर माइनस 14 अंडर रूट 2.7 इनटू 10 टू द पावर माइनस 14। सॉल्व करो, 10 टू द पावर माइनस 7 और 10 टू द पावर माइनस, सॉरी 2.7 का अंडर रूट आएगा, ये आएगा, लेट मी चेक, इसको देख ही लेते हैं फटाफट से, क्वेश्चन हो जाएगा इसका अंडर रूट कितना आता है, आया आपका 1.64। ओके, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन आ गई। पीएच निकालना है, पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 1.64 * 10 टू द पावर माइनस 7 करेंगे, ये आ जाएगा 6.78। लॉग आपने खुद करना है। तो इसका मतलब क्या है कि इस टेम्परेचर पे पीएच स्केल क्या चल रहा होता है, 6.78 जो है वो कांस्टेंट और न्यूट्रल के लिए, उससे बिलो एसिड और उससे अबव बेस, स्केल ही चेंज हो जाता है। ओके, चलो उसके बाद ये 7.65 हो गया, अब आगे 7.68। ये सारे मैंने सिलेक्टेड प्रॉब्लम है तो इनको ध्यान से सुन लो। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्रोमेट एंड सिल्वर ब्रोमाइड इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द रेशियोज ऑफ मोलैरिटी ऑफ देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है, सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है इन मोल पर लीटर फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो कैसे निकलती है, जो सिल्वर क्रोमेट है उसकी सॉल्युबिलिटी निकलेगी 2Ag पॉजिटिव आयन प्लस क्रोमेट आयन। ओके, तो इसकी अगर सॉल्युबिलिटी S है तो पूरा घुल जाएगा, ये कितना बनेगा 2S और ये कितना बनेगा S, ठीक। कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन रेज टू पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू KSP, यही होता ना इक्वेशन सैचुरेटेड के लिए। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया मैंने, जब उससे फर्द नहीं खुलना। ओके,
हालांकि यहाँ पे जीरो लेना ठीक नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट लेना होता है, क्योंकि ये सारा का सारा एस घुल गया, उसके बाद ये फर्दर नहीं घुलेगा जितना मर्जी हो। तो कंसंट्रेशन ऑफ एजी पॉजिटिव आयन कितनी है, 2s का स्क्वायर। कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन कितनी है, s। और ksp कितना है, ksp है सिल्वर क्रोमेट के लिए 1.1 × 10⁻¹². ओके, तो यहाँ पे बना 4s³=1.1 × 10⁻¹². तो एस क्यूब का आंसर आया 1.1 × 4 × 10⁻¹². तो यहाँ से s के लिए सॉल्व करोगे तो s कम्स आउट टू बी, s आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा, s कितना आ जाएगा, 6.5 × 10⁻⁵ मोलर। और यही उसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है ना, वही उसकी मैक्सिमम मोलैरिटी, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी को ही बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, तो सिमिलरली आपने ksp का एक्सप्रेशन लगा देना है, किसके लिए, दूसरा कौन सा सॉल्ट था, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसके लिए पहले इक्विलिब्रियम लिखना पड़ेगा इसका, सिल्वर ब्रोमाइड विल कम इन इक्विलिब्रियम विद सिल्वर आयन प्लस ब्रोमाइड आयन, इसकी एस फिर जीरो एस एस एस, यहाँ पे जो है वो मैक्सिम, वो आपकी मैक्सिमम मोलैरिटी है, जिसको आप सॉल्युबिलिटी भी बोलते हो, दैट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। ओके, तो आपका ए जी पॉजिटिव आयन इंटू बी आर नेगेटिव आयन विल बी इक्वल टू के एस पी, एस इंटू एस इज इक्वल टू के एस पी, के एस पी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमने, 5 × 10⁻¹³। तो यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लो, √5 × 10⁻¹³, तो ये आ जाएगी सॉल्व कर कर आके 7.07 × 10⁻¹⁷। ओके, उसके बाद रेशोज निकालनी है ना, रेशोज निकाल लो फिर, रेशो में तो वो नहीं मैं निकालने वाला, रेशो आप समझ गए ना कैसे निकलनी है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी आई ये रही और इसकी जो सॉल्युबिलिटी आई वो ये रही, इन दोनों की रेशो निकाल लो, डिवाइड करना है। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वैसे तो दूसरे वाले भी कर लिए हुए थे, ये भी कर चुके हैं, ठीक, कि कब प्रेसिपिटेशन होगी कि नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, जो मिक्सचर बना है उसमें आपने जिस भी सॉल्ट की बात कर रहे हैं उस सॉल्ट की कंसेंट, उसके जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसका आयनिक प्रोडक्ट देखना है। जैसे कॉपर आयोडाइड के केस में क्या होता है, कॉपर प्लस टू आयन और आयोडेट IO3 नेगेटिव आयन का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देना है, क्योंकि कॉपर आयोडाइड का फॉर्मूला ये होता है। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या बनेगा, आयोडेट आयन दो बनते हैं जब एक डिसोसिएट होता है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन ये बनेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ओके, और ये तो कांस्टेंट ही लेनी है, ये सॉल्ट तो हमने कांस्टेंट ही लेना था, इन दोनों की जो आयनिक कंसंट्रेशन आ जाएगी मिक्सचर में, उनको ये वाला एक्सप्रेशन में पुट करके के की वैल्यू निकाल, वो वैल्यू निकालनी है आपने, उसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। और अगर आयनिक प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर हुआ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तो प्रेसिपिटेशन होगी, और अगर उल्टा हुआ आयनिक प्रोडक्ट लेस देन हुआ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। ओके, तो ये आपने ऐसे कर लेना है, एक ये आपका ये मतलब आपको दिया क्वेश्चन।